नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ वन प्लस की तरफ से वन प्लस का 12R। जी हाँ दोस्तों, जो वन प्लस का 12R है, इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी वन प्लस 12 के ऊपर। अब दोस्तों लेकर आया हूँ वन प्लस 12R, जिसका है दोस्तों मेरे पास 8GB और 256GB वाला वेरियंट। ये देखिए 8/256 वाला वेरियंट है मेरे पास। कलर है इसका मेरे पास आयरन ग्रे, जो कि दोस्तों ब्लैक टाइप से आता है। दोस्तों ये थोड़ा ओपन आप देख सकते हो, ओपन बॉक्स है, क्योंकि मैंने इसको ओपन कर लिया था, तो वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ इसमें हमें क्या क्या मिलता है, और वन प्लस 11R और वन प्लस 12R में हमें क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, क्या आपको जी वाला फ़ोन लेना चाहिए या आपको वन प्लस 11R की तरफ जाना चाहिए, जो कि दोस्तों इससे 10 से 12 हज़ार रुपये सस्ता मिल रहा है मार्केट में। तो सब कुछ दोस्तों वीडियो में बताऊँगा, तो वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरे आगे की वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। तो दोस्तों सबसे पहले करता हूँ बॉक्स को ओपन। इस तरह का बॉक्स हमें मिलता है रेड कलर का। इसके अंदर दोस्तों हमें एक बॉक्स और मिलता है, चलिए पहले मैं आपको यही दिखाता हूँ इसमें हमें क्या क्या मिलता है। तो इसमें दोस्तों हमें ये देखिए 1 GB पिन मिलती है, सिम इजेक्टर टूल इस टाइप की होगी दोस्तों इसकी पिन। एक जो रेड केबल का क्लब पार्ट मिलता है, जिसमें दोस्तों आपको काफ़ी अच्छे अच्छे बेनिफिट देखने को मिलते हैं, जो कुछ स्टिकर वगैरह हैं ये देखिए, जो कुछ स्टिकर हैं वन प्लस के, जैसे दोस्तों एप्पल देता है हमें उस टाइप से। और दोस्तों ये कुछ अलग से स्टिकर दिए गए हैं, जब आप अपने फ़ोन पर गिलास वगैरह लगाते हो तो आप साइड से इनको लगा के ग्लू को आसानी से बचा सकते हो फ़ोन के अंदर जाने से। बस सही दोस्तों ये मिलता है, कुछ किताब वगैरह हैं जो पुस्तकें होती हैं, जो हमारे कोई मतलब की नहीं होती। और दोस्तों हमें मिलता है एक कवर, जो दोस्तों देखने में काफ़ी अच्छा है, और ये सॉफ्ट कवर है, कोई हार्ड कवर नहीं है, सॉफ्ट है, पर हमें कवर बॉक्स के अंदर देखने को मिलता है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। चलिए इन सबको रखता हूँ बॉक्स के अंदर सी में। अब देखते हैं हमें और क्या मिलता है। दोस्तों जो मिलता है हमें डिवाइस, और मिलता है दोस्तों इसके अंदर हमें चार्जर। अब दोस्तों आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर चार्जर हमें मिल रहा है छोटा 80 वॉट का है ये, बट दोस्तों इसके अंदर एक्चुअली चार्जर हमें मिलता है, वो मिलता है दोस्तों हमें 100 वॉट का। तो दोस्तों 100 वॉट का चार्जर मेरा अभी किसी के पास है यूज करने के लिए, तो मैंने वीडियो बनाने के लिए इसमें 80 वॉट का चार्जर रख लिया, जैसे कि दोस्तों मैंने 12R में रख दिया था, सॉरी दोस्तों 12 में रख दिया था, उसी तरीके से मैंने इसमें 80 वॉट का रख दिया है। बट दोस्तों हमें 12 में और 12R दोनों में हमें 100 वॉट का चार्जर मिलता है, बट केबल दोस्तों हमें सेम मिलती है इसी टाइप की, तो केबल दोस्तों एक ही होती है, बट चार्जर दोस्तों हमें मिलता है 100 वॉट का। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये 80 वॉट का चार्जर है, ये वाला हमें इसके अंदर नहीं मिलता। अब दोस्तों ये मेन फ़ोन जो आप देख सकते हो, देखने में काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। और दोस्तों इसमें आपको मैट की फिनिश दी गई है, लेकिन ये दोस्तों स्लिपरी काफ़ी है, काफ़ी चिकना है पीछे से, जैसे कि दोस्तों हमें 11R मिलता था ब्लैक कलर का, उस टाइप से नहीं है वो दोस्तों, मैट फिनिश में था तो वो इतना स्लिपरी नहीं था, बट ये दोस्तों काफ़ी स्लिपरी है। और इसका एक कलर और आता है ब्लू कलर का, वो दोस्तों एकदम से उसमें फिंगरप्रिंट आया था, बट इसमें फिंगरप्रिंट नहीं आएंगे, बट स्लिपरी काफ़ी है ये। दोस्तों इसे कैमरे की बात करूँ मैं, तो इसमें दोस्तों हमें 3 कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है, और जो दोस्तों कुछ अलग से सिस्टम दिया गया है, कोई सेंसर वगैरह है ना, तो ये फ्लैश है ना ही कैमरा, इसकी फ्लैश दोस्तों यहाँ पे है। तो दोस्तों इसमें जो 3 कैमरे दिए गए हैं, उसमें दोस्तों एक मेन कैमरा दिया गया है 50 मेगापिक्सल का, जिसमें दोस्तों सोनी का सेंसर देखने को मिलता है। दूसरा कैमरा है दोस्तों इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, जो कि दोस्तों अल्ट्रा वाइड है, और 2 मेगापिक्सल का है दोस्तों माइक्रो लेंस, जो कि दोस्तों हमारे कुछ भी काम का नहीं है, सिर्फ नाम का कैमरा है, वो नाम का सेंसर दिया गया है। तो इसमें आपको 2 ही कैमरे देखने को मिलते हैं मेन, जो होते हैं 50 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, जिसमें दोस्तों आपको अच्छी अच्छी फ़ोटो देखने को मिल जाएंगी। मैं ये नहीं कहता कि आपको इससे काफ़ी अच्छी फ़ोटो देखने को मिलेंगी, बट वन प्लस 11R से अगर कंपेयर करते हो तो काफ़ी अच्छी फ़ोटो देखने को मिल जाएंगी। सेल्फी कैमरा दोस्तों इसमें हमें दिया गया है 16 मेगापिक्सल का, इसमें जैसे कि दोस्तों 11R में था सेम वही कैमरा है। तो दोस्तों कैमरे के मामले में ये फ़ोन काफ़ी सही है। 11R से दोस्तों मैं आपको कंपेयर करके ही बताऊँगा, मेरे पास 11R तो नहीं है, बट मैं आपको बता दूंगा कि आपको उससे इसमें क्या डिफरेंस मिलता है। दोस्तों एक तो हमें कैमरा देखने को मिलता है, जो कि दोस्तों उसमें दिए गए थे जो 11R था उसमें दोस्तों हमें 50+2+2 सेटअप था, इसमें दोस्तों
एक आर्ट का दे दिया गया है तो ये एक अलग है, और इसकी प्लेजोसो अलग से दे दी गई है, उसमें इंच पे फ्लैश थी। दोस्तों ये कुछ अलग है, और फ्रंट कैमरा दोस्तों दोनों फ़ोन में एक सा मिलता है। डिस्प्ले की बात की जाए तो डिस्प्ले दोस्तों उसके अंदर मिलती है हमें 6.78 इंच की एक फुल HD वाली AMOLED डिस्प्ले। तो फिर डिस्प्ले के मामले में दोस्तों काफ़ी अच्छा फ़ोन है, और कर्व दी गई है साइड से दी गई है, ये आपको कर्व दिख रहा होगा दोस्तों। 11R के मुकाबले में इसमें थोड़ा कर्व ज़्यादा है, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। और इन हैंड फील्ड की बात करूँ दोस्तों तो काफ़ी कंफर्टेबल लगता है, अगर आप इस पर कवर भी लगा लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी बैटरी की, जो कि दोस्तों इसका सबसे प्लस अच्छा प्लस पॉइंट है। इसमें दोस्तों हमें दी गई है 5500 mAh की एक बड़ी बैटरी, 11R में दोस्तों मिलती थी 5000 mAh की, तो इसमें आपको 500 mAh एक्स्ट्रा मिलती है। 5500 mAh की बैटरी दी गई है, तो आपको थोड़ा बहुत तो फ़र्क देखने को मिलेगा 11R के कंपेरिजन में। इसमें आपको हल्की सी बैटरी एक्स्ट्रा देखने को मिल सकती है 11R के कंपेरिजन में, क्योंकि इसमें आपको दी गई है 5500 mAh की एक बड़ी बैटरी, और प्लस दोस्तों साथ में मिलता है 100W का चार्जर। तो ये फ़ोन आपको अगर नॉर्मल यूज करते हो तो 2 दिन का बैकअप दे देगा, और रही चार्जिंग की बात तो आधे घंटे में आपका फ़ोन फुल चार्ज हो जाएगा। तो बैटरी की तरफ से इसमें कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करना आपको, काफ़ी अच्छी बैटरी बैकअप मिलेगा, और जो चार्जिंग स्पीड है दोस्तों वो भी काफ़ी फास्ट देखने को मिलने वाली है आपको इस फ़ोन के अंदर। अब दोस्तों बात करते हैं प्रोसेसर की, तो जो दोस्तों प्रोसेसर हमें सैमसंग गैलेक्सी S23 Ultra में दिया गया है, वही प्रोसेसर दोस्तों हमें इसमें देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन का 8 Gen 2। बट दोस्तों उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है जितनी S23 Ultra में दी गई है, क्योंकि दोस्तों उसकी सारी जो प्रोसेसर की जो जितनी भी स्पीड होती है सारी उसमें ओपन होके आई है, बट इसमें दोस्तों आपको जो स्पीड है वो थोड़ी कम मिलेगी। तो प्रोसेसर दोस्तों वही मिल रहा है 8 Gen 2, पर उतनी अच्छी स्पीड नहीं है जितनी आपको S23 Ultra में देखने को मिलेगी। बट दोस्तों प्राइस का भी काफ़ी डिफरेंस है दोनों फ़ोनों में, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। और अभी दोस्तों आप जो रिकॉर्डिंग हो रही है इस वीडियो की, ये S23 Ultra से ही हो रही है, तो वीडियो क्वालिटी कैसी है आप एक बार चेक कर लेना कि S23 Ultra से दोस्तों किस तरह की क्वालिटी निकल कर आ रही है। दोस्तों 11R जो फ़ोन है उसमें आपको साइड से जो फ्रेम दिया गया था वो था प्लास्टिक का, बट दोस्तों इसमें मिलता है हमें एल्यूमिनियम का फ्रेम, और जो फीचर वगैरह हैं दोस्तों वो सारे 11R वाले दिए गए हैं फ्रेम में। जैसे कि यहाँ पे आईआर ब्लास्ट दिया गया है, और डुअल स्पीकर दिए गए हैं दोनों जगह ऊपर नीचे, तो दोस्तों इसमें भी दिए गए थे 11R में। बट दोस्तों इसकी डिज़ाइन पीछे से थोड़ी अलग है, ये कैमरा बम थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया है पहले के मुकाबले। और एक मेन चीज़ और बताऊँ दोस्तों, 11R में आपने देखा होगा कि पावर के ऊपर ही यहाँ पर दिया गया था अलर्ट स्लाइडर, और वॉल्यूम था इस साइड में, बट इस बार चेंज कर दिया गया है, वॉल्यूम के ऊपर दे दिया गया, सॉरी दोस्तों पावर बटन के ऊपर दे दिया गया है वॉल्यूम, अप डाउन बटन, और राइट साइड लेफ्ट साइड में दे दिया गया है अलर्ट स्लाइडर, जिसमें दोस्तों आप अपने फ़ोन को रिंग पर, वाइब्रेशन पर, और साइलेंट पर लगा सकते हो। तो ये चेंज कर दिया गया है सिस्टम, यहाँ से इधर आ गया है वॉल्यूम, और इधर से अलर्ट स्लाइडर इधर कर दिया गया है, ये आपको एक चेंज होके मिलेगा 11R के कंपेरिजन में। तो दोस्तों बात करते हैं इसमें आपको क्या क्या सिस्टम मिलते हैं, तो दोस्तों फिंगरप्रिंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 11R में नीचे था, बट इसमें मिलता है ऊपर, मैंने अभी सेटअप नहीं किया है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें जो पोजीशन है फिंगरप्रिंट की वो काफ़ी सही जगह पर दी गई है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा जब हम एक हाथ से फ़ोन यूज करते हैं तो हमारा अंगूठा यहीं पर जाता है, उसी जगह पर दिया गया है, और 11R में दोस्तों आपको अंगूठा नीचे करना पड़ता है, तो ये फ़ोन गिरने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो ये एक अच्छी पोजीशन बना दी है फिंगरप्रिंट की, और काफ़ी अच्छी स्पीड है फिंगरप्रिंट की भी। कैमरा दोस्तों काफ़ी अच्छा है, और इसमें आपको फेस लॉक भी मिल जाएगा। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा फ़ोन है प्राइस के हिसाब से। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपको 11R लेना है या फिर 12R की तरफ जाना है। तो दोस्तों अगर आप एक नया फ़ोन ले रहे हो और आपको 2000-5000 रुपये का बजट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप मैं यही बोलूँगा कि आप 12R की तरफ जाएँ, क्योंकि इसमें आपको थोड़ी बहुत चीज़ें एक्स्ट्रा देखने को मिल रही हैं। कैमरा दोस्तों थोड़ा सा इम्प्रूव है 11R के कंपेरिजन में, प्लस दोस्तों इसमें आपको अच्छी डिज़ाइन दी गई है, बैटरी थोड़ी बड़ी है, और लेटेस्ट डिवाइस है वन प्लस की तरफ से। बट दोस्तों अगर आपके पास पहले से 11R है या फिर आपका बजट 30,000 से ऊपर बिल्कुल नहीं है, तो मैं बोलूँगा आप 11R ले लो, या फिर आपके पास ऑलरेडी 11R है तो आप उसको अपडेट मत करो 12R में, क्योंकि दोस्तों
ज़्यादा चेंजेस नहीं है, 11 आ रहा है आपके पास, तो ऑलरेडी वो काफ़ी अच्छा डिवाइस है। तो दोस्तों अगर आप नया फ़ोन लेना चाहते हो तो आप इसकी तरफ जा सकते हो, नहीं तो आप 11 आर की तरफ भी जा सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छा फ़ोन है अगर बजट के हिसाब से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिया होगा। अगर आपका कोई भी सवाल है इस फ़ोन को लेके तो आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूँगा आपके हर सवाल के जवाब देने की। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक उसे जरूर करें। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।